मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर और उनकी टीम ने पुरस्कार ग्रहण किया। अवार्ड को 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड के नाम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 400 से अधिक नॉमिनेशन आए थे, जिसकी एक विधा में मध्य प्रदेश को प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड के नाम से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसमें विभिन्न विधाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले प्रशासनिक संगठनों को पुरस्कृत किया जाता है। मध्य प्रदेश के विवेचना ऐप को मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष तौर से बनाया है, जिसमें सभी अपराधों का डेटा सुरक्षित तौर पर जमा किया जाता है। इस अवार्ड के लिए पूरे देश से लगभग 400 नॉमिनेशन आए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया है, जिसका पुरस्कार वितरण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। अवार्ड लेने के लिए मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर और उनकी टीम पहुंची थी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया है। यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। अवार्ड के लिए नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत से 400 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। डिजिटल इंडिया अवार्ड हेतु निचले स्तर पर नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की संस्थाओं से 7 कैटेगरी में 21 नॉमिनेशन के लिए चयन किया गया था, जिसमें सीआरबी मध्य प्रदेश को डिजिटल इनिशिएटिव एंड ग्रॉस रूट लेवल कैटेगरी में प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्लैटिनम अवार्ड गोज टू ई विवेचना ऐप मध्य प्रदेश। ये ऐप मदद करता है रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन तथा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में। ये एविडेंस तथा विटनेस स्टेटमेंट को कैप्चर करता है। मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस टीम को पुरस्कार दिया जा रहा है।